आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपके आजू बाजू के लोग जो है ना, वो कुछ भी कहते रहते हैं और आप उसे दुखी होते रहते हैं, तो उसे दुखी मत होना, उसके लिए क्या करना, उसके बारे में आपसे बताने वाला हूं आज। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। आपके आजू बाजू में हो सकता है कि आपके भाई बहन हो, चचेरे भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, आपके डिस्टेंट रिलेटिव हो, आप जहां काम करते हो वहां आपके कलीग हो, आपके बॉस हो। क्या है कि लोग, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको आदत रहती है कि कुछ ना कुछ वो काम कमेंट करते रहते हैं। आपके ऊपर कमेंट करेंगे, आप कैसे दिखते हो उसके ऊपर कमेंट करेंगे, आपने कैसा पहना, क्या पहना, उसके ऊपर कमेंट करेंगे और आप उससे दुखी होते रहते हैं। ऐसा बोला जाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर हम दुखी होते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता नहीं है कि कोई, और हम उसको उल्टा जवाब भी देते नहीं। उल्टा जवाब देने का कारण, नहीं देने का कारण ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पहले ही कमजोर हूं और वो जो बोल रहा है अपने से, उसका उल्टा जवाब दे नहीं सकता, मैं दूंगा नहीं, मैं पहले ही कमजोर हूं इसलिए मैं सुन लेता हूं। दूसरा कारण कि मेरे को सच्ची लगता है कि वो जैसा बोल रहा है वैसे ही बराबर है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं। तीसरा है कि मैं कुछ बोलूंगा तो उसको दुख हो जाएगा, मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोलूंगा तो, और दुख हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, फिर उसका गलत परिणाम होगा, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। तो ऐसे में हमें कुछ बोलते ही नहीं और फिर हम नाराज हो जाते, कुछ लोग कुछ बोलेंगे तो। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। तो आप क्या करो कि जो लोग ऐसे हैं आपके आजू बाजू में कि जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उनको आप अकेले बैठो और उनको ऐसा सोचो कि वो है ना एक जोकर के रूप में है। उन्होंने बहुत रंग बिरंग कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे जोकर जैसे टोपी पहनी हुई है, लिपस्टिक लगाई हुई, डांस कर रहे हैं और वो कुछ भी बोल रहे हैं। अभी ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ भी बोल रहा हो तो आपको कोई बुरा लगेगा नहीं, आप ख्याल देंगे नहीं, समझे, खाना पागल पेशेंट है और वो आपको कुछ बोल रहा है तो हम ख्याल देंगे उसके तरफ बिल्कुल ही नहीं। क्यों ख्याल देंगे? कि वो पागल, हमको मालूम है। बड़े जो अच्छे लोग हैं इनके बारे में, इन्होंने कुछ बोला तो हमको बहुत बुरा लगता है। अभी हमको मन के मन में देखे कि यार पागल है वो, जान दो, कुछ तो भी बोलते रहता है, कुछ ना कुछ कॉमेंट करते रहता है, तो हमको कुछ दुख होगा ही नहीं। देखो, हमने एक रेस्टोरेंट खोल के रखा है, वहां में हमारे कुछ दोस्तों को खाना खाने बुलाया। अब कुछ लोग तो रहते ही अगो टीका टिप्पणी करने वाले, खाना भी खा रहा है वो, और वो दोस्त मुझे क्या बोल रहा है, आपका तो रेस्टोरेंट है, खाना खिलाना तो आपके यहाँ लाया आपने, खुद के रेस्टोरेंट में, और कहीं लेके जाना था, ऐसा बोलने लगा। मतलब खाना भी खा रहा है, उल्टा बोल भी रहा है। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है, अरे अपना खुद का रेस्टोरेंट है, वहां नहीं खिलाएंगा तो और कहाँ खिलाएगा, पागल है क्या कि और कहीं खाना खिलाएंगे, वहां जाएंगे और दूसरे होटल में खाना खिलाने के लिए दोस्तों को बोलेंगे, अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट तुम खाना नहीं खिला रहे क्या, इतना अच्छा नहीं क्या वो भी बोलेंगे। मतलब यह है कि लोग कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते, कुछ फॉर बोलेंगे, कुछ अगेंस्ट बोलेंगे और हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते। फिर तो वो डिस्टर्ब होने का नहीं है, क्योंकि लोग जो बोल रहे हो उनको बोलने दो, ये कान से सुनना है, कान से छोड़ देना। तो ये हम करेंगे तो तकलीफ नहीं होंगी हमको, क्योंकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मेरा आने का मकसद क्या है दुनिया में, मेरे गोल्स क्या है, मेरे एम्स क्या है। ऐसा बोला जाता है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंके हजार। हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी ख्याल देता नहीं। वैसे हमारा होना चाहिए। तो लोगों की कमेंट्स, टीका टिप्पणी, इससे नाराज न होते हुए उसको निग्लेक्ट कैसे करना और पावरफुली कैसे जीना, ये टेक्निक से आपको समझ में आएगा। तो उनको जोकर समझो, उनको पागल समझो, जो समझना हो समझो, ख्याल देने का नहीं, छोड़ देने का, निग्लेक्ट करने का है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस होगा नहीं, आपने वो मन को लगा लेने का नहीं। समझो आपने दोनों, मतलब आपने पैर में, दोनों पैर में सफ़ेद जूते पहने हुए, एकदम ब्रांड वाइट, अरे बिल्कुल ग्लिटरी वाइट, बहुत ही सफ़ेद रंग के जूते पहने हुए, और आप बाहर गए और कोई दोस्त आपको मिला और उसने बोला, अरे तूने एक काला रंग का जूता और एक सफ़ेद रंग का जूता क्यों पहना है? तो आप बोलेंगे, मैंने तो दो ही बराबर सफ़ेद रंग के जूते पहने हुए, काला और सफ़ेद कहाँ है? बोले, नहीं, वो तो काला आपने पहना है और एक सफ़ेद पहना है। ऐसा कोई दोस्त बोलता है, ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो आप उसे नाराज होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोनों सफ़ेद मैंने पहने हुए हैं। एक तो उसके ऊपर आप हंसेंगे या वो पागल लेकर के छोड़ देंगे। तो जैसा ये जूतों का है, आपको मालूम है कि मैंने सफ़ेद रंग के जूते पहने हैं,
वैसा बाकी बातों में हमने करना चाहिए कि मेरे को मालूम है कि मैंने क्या किया हुआ है, लोग मेरे को असेस नहीं कर सकते, लोग मेरे ऊपर जजमेंट नहीं कर सकते, लोग मेरा मेरे बारे में ओपिनियन नहीं बना सकते, मैं मेरे बारे में जजमेंट बनाऊंगा, ओपिनियन बनाऊंगा, मैं मेरी दिशा ठहराऊंगा कि मेरे को करना क्या है, मैंने कैसा जीना चाहिए। तो ये आप लाते ना, तो आपको नाराज होना जो है, और नाराज होकर आप जब डिसएम्पावर हो जाते हो, शक्तिशाली रूप से आप काम नहीं कर पाते, नाराज हो जाते हो, नाराज होने से आपको मतलब वहाँ से मुक्ति मिलेगी और आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। ये बहुत लोगों के बारे में होता है, लोग बोलते नहीं हैं। आप जरूर लोगों को ये वीडियो शेयर करो, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में एजुकेशन होगा और लोग अपना जीवन पावरफुली जी सकेंगे। हमारा मिशन जो है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, उनको सिखाते हैं। आप हमें आपके क्लब में, आपके रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में, सोसाइटी में, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कहीं भी बुला सकते हैं, ताकि हम ये और बड़े पैमाने पे लोगों को एजुकेशन कर सकेंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा करने में आपका भी उसमें हाथ लग जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप लाइक जब करते हैं हमारा उत्साह बढ़ जाता है। ये बेल आइकॉन जाता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।